हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया से होंगे। एक गुड न्यूज़ है मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए। प्रतिज्ञा बैच, प्रतिज्ञा प्रतिज्ञा समझते हो, शपथ है ना। एक प्रतिज्ञा बैच स्टार्ट हो रहा है, लाइव क्लासरूम प्रोग्राम है, यानी कि लाइव क्लासेस चलेंगी। किसके लिए? गेट 2023 के लिए, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए। देखो है क्या कि ये जो टाइम अब आ गया है ना, कि सेमेस्टर ऑलमोस्ट कॉलेजों में या तो स्टार्ट हो गए होंगे या ख़त्म होने वाले होंगे, है ना। अभी कुछ दिनों में कंप्लीट हो जाएंगे और उसके बाद फिर जो फाइनल ईयर वाले हैं वो भी फ्री हैं, जो थर्ड ईयर वाले हैं वो भी फ्री हैं। तो यही जो टाइम है जब हमें अपनी पढ़ाई को एक्सेल करना है ना। कोई अगर टारगेट बना रहे हैं हम, जैसे गेट 2023 का टारगेट बना रहे हैं, तो यही टाइम है जो अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से स्टार्ट कर देना है, सीरियसली इन्वॉल्व होके, है ना, फुल डेडिकेशन के साथ, ताकि हम लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लिए बगैर, बहुत कम स्ट्रेस लेके गेट 2023 को क्रैक करें। तो इसी के रिगार्डिंग गेट एकेडमी क्या ये प्रतिज्ञा बैच, ठीक है ना। अब इस बैच के बारे में मैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देता हूँ, इसके फीचर्स बता देता हूँ, ठीक है ना। कौन कौन फैकल्टी क्या सब्जेक्ट लेगी वो भी बता देता हूँ। जैसे कि अगर हम बात करें तो ये जो है फैकल्टीज है, इसमें से आप मैक्सिमम को आप जानते होंगे, जो भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स होंगे और गेट एकेडमी से थोड़ा सा भी जुड़े होंगे या फिर जिन्होंने लेक्चर भी देखे होंगे यूट्यूब पे, तो वो इन सब फैकल्टीज को जानते होंगे। दीपराज सर है ना, गुरुपाल चावला सर, रामानंद मत्सल सर, मैं, ठीक है ना, वरुण सर, तो अमित मौर्य सर, आदित्यपाल सर, सिद्धार्थ सर, अंशु सर और ऐश्वर्या मैम। तो ये सब जो फैकल्टीज हैं इन सब का आपको डिटेल कोर्स मिलेगा, किसमें? गेट एकेडमी के प्रतिज्ञा बैच में, ठीक है ना। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि भाई क्या है। तो ये जो बैच है ये पूरा प्री प्लांट है, प्री प्लांट यानी कि अभी से डिज़ाइन कर दिया गया है कि कब क्या पढ़ाया जाना है, कौन कौन फैकल्टी कब पढ़ाएगी, कब सिलेबस कंप्लीट होगा, क्या क्या फीचर्स होंगे, किस तरीके से हम आपसे मिनिमम एफर्ट में मैक्सिमम आउटपुट निकाल सकें, ठीक है ना। तो वो सब चीज़ें उसके बारे में मैं बताता हूँ एक एक करके। बैच स्टार्ट हो रहा है 26 मई से, ठीक है ना। सब्जेक्ट स्टार्ट होगा हमारा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, और जो कि पढ़ाएंगे हमारे रामानंद बंसल सर। 26 मई से स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल स्टार्ट होगा प्रतिज्ञा बैच, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो फीचर्स क्या हैं इस बैच के। सबसे पहले तो जैसे ही आप इस कोर्स को इनरोल कराते हो, रजिस्टर करते हो, परचेज करते हो, तो उसके बाद आपको एक रिकॉर्डेड लाइब्रेरी मिल जाएगी। रिकॉर्डेड लाइब्रेरी का सीन क्या है कि जो लास्ट ईयर जो भी सब्जेक्ट पढ़ाए गए हैं वो सब आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएंगे। जैसे ना कई लोगों को होता है कि सर अभी स्टार्ट कर रहे हो एक एक करके, मुझे तो बहुत स्पीड से ख़त्म करना है, ठीक है ना। तो भाई जो भी लाइव क्लासरूम में सब्जेक्टिव हुए हैं, ठीक है ना, जो भी पढ़ाए गए हैं सब रिकॉर्डेड फॉर्म में रखे हुए हैं। आप कोई भी सब्जेक्ट उठाओ, पिक करो और पढ़ो, कोई भी सब्जेक्ट, ठीक है ना। मेरा इंडस्ट्रियल पढ़ाया हुआ उसमें रखा हुआ है, ठीक है ना। तो बाकी जो फैकल्टीज हैं उनके भी सब्जेक्ट पढ़ाए हुए रखे हुए, मटेरियल साइंस रखा हुआ है मेरा पढ़ाया हुआ, ठीक है ना, और क्रैश कोर्स का थर्मल एप्लीकेशन रखा हुआ है, ठीक है ना। तो अदर फैकल्टीज का भी जो जो जिस सब्जेक्ट से रिलेटेड है उन सब के आपको रिकॉर्डेड तुरंत मिल जाएंगे, ठीक है ना। बाकी आपकी लाइव क्लास चलेगी। लाइव क्लास का सीन क्या होगा कि भाई टाइमिंग होगी, उतने घंटे आपको बैठ के लाइव क्लास अटेंड करनी होगी। यहाँ पे पढ़ाया जाएगा, आपके डाउट क्लियर किए जाएंगे, नोट्स बनवाए जाएंगे, प्रॉपर प्रिपरेशन, ठीक है ना। जैसे ऑफलाइन क्लास होती है वैसे ही ऑनलाइन क्लास होगी, बस आप घर में बैठ के इत्मीनान से एसी में बैठ के क्लास करोगे। अगर एसी है तो एसी, नहीं तो कूलर, और कूलर भी नहीं तो पंखा, ठीक है ना, पंखा नहीं तो मैदान, ठीक है ना। तो जहाँ से भी चाहे आप क्लास कर सकते हो, पहली चीज। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। जैसे होता क्या है ना कि कोई सब्जेक्ट चल रहा है और आपको वो पहले से ही बहुत अच्छे से आता है, क्योंकि भाई 10 सब्जेक्ट होते हैं जिसमें से आपको हो सकता है 1-2 पहले से बहुत अच्छे से आते हों, तो आपको लगता है कि उसमें हमें बहुत ज़्यादा एफर्ट करने की जरूरत नहीं है, वो नॉर्मली हमारे कम एफर्ट से ही काम चल जाएगा। तो उस टाइम पे आप रिकॉर्डेड लाइब्रेरी से उठा के कोई दूसरा सब्जेक्ट उठा के पैरेलली कंप्लीट कर सकते हो, ताकि इस कोर्स जल्दी से कंप्लीट हो जाए। जितना जल्दी कंप्लीट करोगे उतना ज़्यादा आपको रिवीजन और प्रैक्टिस का टाइम मिलेगा। और कोई भी एग्ज़ाम निकालने के लिए, चाहे ये हो, चाहे IAS हो, चाहे IAS हो, कोई भी एग्ज़ाम, जो सबसे इंपॉर्टेंट दो चीज़ें हैं वो है एक प्रैक्टिस और एक रिवीजन, रिवीजन थ्योरी का, ठीक है ना, क्वेश्चंस का, और नए क्वेश्चंस, वर्कबुक और टेस्ट वगैरह जो भी है उन सब का प्रैक्टिस। जितने ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो उतने ही हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगा। क्यों? क्योंकि गेट एग्जाम देखें तो मोस्टली किसका है? न्यूमेरिकल का है, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं। नेक्स्ट फीचर्स की अगर हम बात करें, फीचर की,
तो वर्कबुक, ठीक है ना, तो आपको हर एक सब्जेक्ट की वर्कबुक मिलेगी पीडीएफ फॉर्म में, ठीक है ना। जो वर्कबुक आपकी क्लास में पूरी की पूरी सॉल्व कराई जाएगी, ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि बस वर्कबुक दे दी गई तो दे दी गई, ठीक है ना। इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं और नए क्वेश्चंस भी हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हैं, इंजीनियरिंग सर्विसेज के भी क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे काफ़ी सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे प्रैक्टिस के लिए। हर एक सब्जेक्ट की सेपरेट अलग वर्कबुक होगी, ऐसा नहीं है कि एक ही वर्कबुक होगी, करेक्ट। उसके बाद अगर हम बात करें तो डीपीपी, ये नया ऐड है, ठीक है ना। डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स भी आपको मिलेंगी, ताकि आप जो कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो ना, बहुत बार होता है कॉन्सेप्ट पढ़ लिया समझ में आएगा, ठीक है अब सीधा सवाल एग्जाम में ही लगा लेंगे, ठीक है ना, तो वो काम नहीं करना है हमको। हमको पहले से ही अपने आप को 100% करके चलना है, ताकि वहां पे हमारा एग्जाम में जो परफॉर्मेंस हो वो बेस्ट हो। इसके लिए हम क्या करेंगे कि डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम आपको देंगे, ताकि आप डेली जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो, जो भी कोर्स आपने कंप्लीट किया है, उसकी डेली आप कुछ ना कुछ नई और अच्छी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते रहो, ताकि आपका कॉन्सेप्ट और अच्छा बिल्डअप हो और चीज़ें लॉन्ग टर्म के लिए याद भी रहे। क्योंकि जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करते हो, उतने ज़्यादा आपको फॉर्मूले भी याद होते हैं, उतने ज़्यादा आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर होता है, ठीक है ना। उसके बाद फिर वीकली टेस्ट, तो वीकली टेस्ट का तो आप अभी देख रहे होगे कि भैया आपका हर वीक में डिस्कशन होता है, टेस्ट होता है। मैंने भी एक कोर्स पढ़ाया था अभी, ठीक, जो पहले वाला बैच चल रहा था उसमें, तो हर वीक में मैंने एक टेस्ट दिया था, ठीक है ना। तो वीकली टेस्ट होगा आपका, और वीकली टेस्ट में क्या होगा कि जो आपने उस पर्टिकुलर वीक में 6 दिन में जो पढ़ा है, उसका आपको संडे को टेस्ट होगा और शाम को उसका डिस्कशन होगा। और उसी के साथ आपको ये भी बताया जाएगा रैंक कि आप कितने मार्क्स लेके आए हो, आपने कितने क्वेश्चन सही है, कि सॉल्यूशन तो तुरंत मिलेगा उसी दिन शाम को। तो ये आपकी परफॉर्मेंस बताएगा तुरंत कि आपने उस 6 दिन में क्या सीखा, आपको कहाँ पे और एफर्ट देने की जरूरत है, कौन सा पार्ट में आप कम रह गए हो, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट गाइडेंस बाई HOD एंड एक्सपर्ट फैकल्टीज एवरी वीक, है ना। तो आपको गाइडेंस भी मिलेगा हर वीक, ठीक है ना भाई। बेस्ट रिजल्ट के लिए ये बेस्ट चीजें करना जरूरी है, ठीक है ना भाई। देखो होता क्या है कि आपने बहुत सारे एग्जांपल्स देखे होंगे कि भाई एक लेबर एकदम मेहनत करते जा रहे हो, और एक होती है स्मार्ट लेबर, ठीक है ना। हम लोग क्या है, हम लोग इंजीनियर है, हम लोग एकदम स्मार्ट लेबर से एकदम भरे हुए हैं। क्या एग्जाम्पल, आपका यूनिवर्सिटी का एग्जाम होता है, ठीक है, तो आप क्या करते हो, स्मार्ट लेबर। कैसे करते हो भाई, आप इधर उधर घूमते हो पूरी, अगर हॉस्टल में रह रहे हो तो पूरी जो विंग है आपकी, ठीक है ना, आपकी गैलरी है पूरी घूमाए, कौन क्या पढ़ रहा है पता करा है, जिसके पास प्रीवियस ईयर पेपर थे वो उठा के देख लिए, ठीक है ना, कोई सॉल्व पेपर मिल रहा है प्रीवियस वो देख लिए, और देखा कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से, और उठा के एग्जाम से 2 दिन पहले सिर्फ वही क्वेश्चन पढ़ डाले। तो हमको पता है वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो एग्जाम में कुछ ना कुछ तो फंसेंगे, आ गए तो हमारा काम हो गया। तो इतनी मोटी बुक को जिसको पढ़ने में आराम से आपको 1 महीना लगता है, आपने 2 रात में उसको निपटा दिया, यही स्मार्ट लेबर है। लेकिन गेट में थोड़ा सा अलग होता है ना, कि टॉपिक से क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, न्यूमेरिकल कहीं से भी आ सकता है, ठीक है ना, डिटेल में आता है, बेसिक एकदम क्लियर होने चाहिए, तो उसके लिए हमें थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन मेहनत क्या करनी है, एकदम स्मार्ट तरीके से, कि कुछ भी पढ़ रहे हैं उसका मतलब नहीं है, ठीक है ना। जो एग्जाम में आता है, जो एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम का सिलेबस है, उसको एकदम स्मार्ट वे में कंप्लीट करना, ठीक है। तो गाइडेंस हमको मिलेगा, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है सब्जेक्ट से रिलेटेड और कोई भी प्रॉब्लम, तो वो हमारे एक्सपर्ट और HOD सर सॉल्व करेंगे, ठीक। उसके बाद अगर हम बात करें रिकॉर्डेड लाइब्रेरी की बात करें, तो रिकॉर्डेड लाइब्रेरी में आपको ये सारे सब्जेक्ट मिलेंगे इस समय जो रिकॉर्डेड उसमें है। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स दीपराज सर का है, थ्योरी ऑफ मशीन दीपराज सर का है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल रामानंद बंसल सर का है, मशीन डिजाइन रामानंद बंसल सर का है, बेसिक थर्मोडायनेमिक्स वरुण सर का है, थर्मल एप्लीकेशन वरुण सर का है, हीट ट्रांसफर अमित मौर्य सर का है, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मशीनरी अमित मौर्य सर का है, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग आदित्य पाल सर का है, इंडस्ट्रियल मेरा है, मैथ्स गुरुपाल सर का है, एप्टीट्यूड ट्रिनिटी जो हमारी टीम है एप्टीट्यूड वाली उनका है, और इसमें एक और सब्जेक्ट है मटेरियल साइंस, वो भी मेरा है, वो भी उसमें पढ़ा हुआ है, ठीक है ना, जो रह गया है इसमें लिस्ट में, ठीक है ना। तो आपको सारे सब्जेक्ट ज्वाइन करते ही आपको ये मिल जाएंगे रिकॉर्डेड फॉर्म में, सारे लेक्चर पढ़े हुए जिसमें जितने लेक्चर हैं 24, 25, 30, ठीक है ना, तो आप उसको कभी भी पढ़ के देख सकते हो। बाकी लाइव क्लास तो आपकी चलेगी ही चलेगी डेली, ठीक है ना। इसके बाद अगर हम बात करें तो ऑफर क्या है, ऑफर ये है कि अगर आप लाइव क्लास में इनरोल करते हो तो अभी आपको सीधे सीधे 10,000 का डिस्काउंट मिल रहा है ना, और यही सही टाइम है। क्योंकि होता क्या है कि ये गर्मियों की छुट्टियां, सेमेस्टर दिए, घर जाना, है ना,
हम लोगों के ये 2-3 महीने वेस्ट जाते हैं जुलाई तक, और यहीं पे अगर आप थोड़ा सा सिंसियरली एफर्ट कर गए तो आपका बहुत ज़्यादा प्रेशर एग्जाम के टाइम पे कम हो जाएगा। क्योंकि देखो कुछ ना कुछ तो करना है, या तो कॉलेज से प्लेसमेंट हो जाए, ठीक है ना, या फिर फर्दर स्टडी के लिए जाना हो, ठीक है ना, रिसर्च फील्ड में जाना हो, ठीक है ना, एकेडमिक्स में जाना हो, या फिर किसी PSU को ज्वाइन करना हो, तो गेट का एग्जाम उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो गेट एक अच्छा, जैसे कि आप बात कर रहे हैं, हम लोग गेट का एग्जाम फरवरी में हो जाता है, मार्च में रिजल्ट आ जाता है, तो कंपनियां उसके बाद भी आती रहती हैं। और अगर आप उसके बाद कहीं प्राइवेट इंटरव्यू भी देने जाते हो और आपके पास अगर गेट क्वालिफाइड का सर्टिफिकेट है, तो आप ऑलरेडी एक स्टेप सबसे आगे, ठीक है ना। तो गेट क्वालिफिकेशन बहुत जरूरी है। अब इसके बाद हम बात करें तो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है ना। कोई प्रॉब्लम आती है तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 9713113156, और इस पे आपको विजिट करना है gateacademy.co.in पे, ठीक है ना। और इजी वे में अगर आपको मोबाइल में बैठे ही बैठे सब कुछ करना है, तो गेट अकेडमी की लाइव ऐप को आप इंस्टॉल करिए, गेट अकेडमी लाइव ऐप, ठीक है ना। और ये जो सिंपल स्टेप्स हैं इनको फॉलो करिए और आपका काम हो जाएगा। अगर आप पहले कभी रजिस्टर कर चुके हैं तो उसी रजिस्टर आईडी को डालिए, नहीं तो दोबारा आप क्या करिए, इंस्टॉल करके दोबारा नई आईडी डालिए, और उसमें जाएंगे आप जैसे ही इंस्टॉल करके रजिस्टर करने के बाद, तो आपके पास सारे ऑप्शंस खुल जाएंगे। आप कोर्स में जा सकते हो, जो भी कोर्स, जो भी ब्रांच चाहो सिलेक्ट कर सकते हो। आप मैकेनिकल के होकर सिविल का भी खरीद सकते हो, आपको कोई नहीं रोकेगा, ठीक है ना। लेकिन मेरी राय यही रहेगी आप कि आप मैकेनिकल के हो तो मैकेनिकल का ही कोर्स खरीदो, क्योंकि सिविल में थोड़ी दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो ये क्या है, ये स्टेप्स हैं कि कैसे आप कोर्स को परचेज करोगे, ठीक है ना। जो भी कोर्स आपको करना है, वैसे ये जो प्रतिज्ञा बैच है इस समय सबसे अच्छा है और सबसे बढ़िया है, और एग्जाम का जो टाइम है जो अभी बचे हैं 8 महीने, उसके हिसाब से पूरा डिजाइंड है, और आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा अगर आप इसके एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो, ठीक है ना। तो थैंक यू सुनने के लिए, ठीक है ना। और ये देखो, एग्जाम की अगर बात करें तो ये सही टाइम है, अगर आप सीरियसली हो, सिंसियर हो, गेट निकालना चाहते हो, ठीक है ना, या फिर गेट के थ्रू कुछ और करना चाहते हो, चाहे फर्दर स्टडी की बात हो, चाहे रिसर्च फील्ड में जाना हो, चाहे एकेडमिक फील्ड में जाना हो, इवन प्राइवेट जॉब में भी बहुत जगह क्या कहते हैं, अगर आप गेट क्वालिफाइड हो तो आपको प्रेफरेंस मिल जाता है, ठीक है ना। तो उसका आपको फायदा ही है, क्योंकि आपकी नॉलेज बूस्ट होगी। अगर आप कहीं भी इंटरव्यू देते हो, कंपनी में देते हो, कॉलेज में देते हो, बाहर जाके देते हो, तो आपको कुछ ना कुछ वो पूछेंगे ना टेक्निकल, तो आपको बताना पड़ेगा। और हम लोग जिस हिसाब से पढ़ते हैं, हम लोग जानते हैं कितनी नॉलेज होती है हम लोगों को, ठीक है ना। तो अगर आप करते हो कोर्स तो एकदम विदाउट एनी डाउट आपकी नॉलेज अच्छे से इंक्रीज होगी, और अगर आप थोड़ा सा सिंसियरली एफर्ट करोगे तो बहुत आराम से गेट भी क्वालिफाई कर जाओगे, ठीक है ना। अब देखो, इसके बाद हर एक वीडियो के बाद एक क्वेश्चन आपको कराएंगे हम, ठीक है ना। और क्वेश्चन क्या है, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, ठीक है ना, जो कि गेट एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो एक क्वेश्चन मैंने लिया है उठा के, इंडस्ट्रियल का है, CPM पर्ड का, क्रिटिकल पाथ मेथड एंड प्रोग्राम इवेल्यूशन रिव्यू टेक्निक, CPM पर्ड का ये क्वेश्चन है, जिसमें से ये पर्टिकुलरली पर्ड का है। पर्ड क्या था, प्रोबेबिलिस्टिक था, प्रोग्राम इवोल्यूशन रिव्यू टेक्निक, हम लोग रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए टेक्निक यूज करते हैं। और अगर आप देखोगे इस तरह का क्वेश्चन कुछ नहीं तो 15-20 टाइम्स गेट एग्जाम में आ चुका है, 15-20 बार ये क्वेश्चन पूछता क्या है, इसमें 3 या 4 चीजें पूछता है। क्या, एक तो फ्लोट है, स्लैग पूछता है, प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम पूछता है, प्रोजेक्ट ड्यूरेशन, क्रिटिकल पाथ है ना, नेटवर्क डायग्राम बनवा लेता है, ठीक है ना, क्रैशिंग का क्वेश्चन आ जाता है, या फिर प्रोबेबिलिटी वगैरह पूछ लेता है अगर पर्ड का है तो, वगैरह उसके अलावा टोटल फ्लोट वगैरह तो पूछता है, ठीक है ना। तो उसमें भी जो सबसे ज्यादा पूछता है वो क्या पूछता है आपसे, क्रिटिकल पाथ। और जो क्रिटिकल पाथ की टाइम होती है, जो ड्यूरेशन होती है, वही हमारी क्या होती है, प्रोजेक्ट ड्यूरेशन होती है। तो इसमें भी आपसे यही पूछा है कि ड्रॉ नेटवर्क डायग्राम एंड कैलकुलेट टोटल प्रोजेक्ट ड्यूरेशन, ठीक है ना, प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन हमें कैलकुलेट करनी है। तो ये पर्ट की प्रॉब्लम है, पर्ट में जो हम लोग टाइम एस्टिमेट करते हैं, चूंकि प्रोबेबिलिस्टिक है, एग्जैक्टली हमें पता नहीं होता है कि कोई भी एक्टिविटी कब कंप्लीट हो रही है, तो ये जो एक्टिविटीज दे रखी हैं हमको 1-2, 1-3, 2-3, 2-4, 3-4, 4-5, इन सब के 3-3 टाइम दे रखे हैं, ठीक है ना। एक ऑप्टिमिस्टिक, यानी कि जब सब कुछ आपकी
थिंकिंग, आपके जो शेड्यूल है ना, सब आपके जो आप चाह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग जब आपका प्लान जा रहा हो तो आपको सबसे मिनिमम टाइम लगेगा, ठीक है ना। एक नॉर्मल, एक एवरेज, ठीक है ना, जो नॉर्मली होता है। कभी कुछ चीज़ें हमारे पॉजिटिव में है, कुछ नेगेटिव में है, एक्टिविटी चल रही है। पैसिमिस्टिक जब आपके साथ वर्स्ट कंडीशन हो रही हो, जब आप जो चाहते हैं जब कुछ उसके अगेंस्ट चल रहा हो तब, यानी कि अगर वन और टू एक्टिविटी जब आपके एकदम अकॉर्डिंग टू प्लान चलेगा तो 20-20 डेज में कंप्लीट हो जाएगा, अदरवाइज 30 डेज में, और अगर बिल्कुल वर्स्ट कंडीशन हुई तो आपको 46 डेज लगेंगे, ठीक है ना। तो जब 3 टाइम एस्टीमेट्स दे रखे होते हैं तो जब भी हमें प्रोजेक्ट ड्यूरेशन निकालनी होती है तो सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करते हैं, सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं हम लोग एक्सपेक्टेड टाइम, जो कि होता है TE, जो कि क्या होता है हमारा TO प्लस 4TM प्लस TP डिवाइड बाई 6, ठीक है ना, यही होता है, करेक्ट। अब ये हमारा क्या है, TM, TO और TP। अगर हमें इसका निकालना है TE, एक्टिविटी 1-2 का, तो कितना हो जाएगा, देखो आप कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 20 प्लस 4 इंटू 30 प्लस 46 डिवाइड बाय 6, यानी कितना हो गया, ये हो रहा है 31, कितना हो रहा है 31। इस तरीके से आप सबका टोटल एक्सपेक्टेड टाइम निकाल सकते हो हर एक एक्टिविटी का, ठीक है ना, एक्सपेक्टेड टाइम, ठीक है ना, इसको बोलते हैं हम लोग एक्सपेक्टेड टाइम, करेक्ट। दूसरा, सेकेंड एक्टिविटी, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सबका हम लोग निकाल सकते हैं। तो जैसे आप निकालोगे तो इसका आ रहा है 13, इसका आ रहा है 5, ठीक है ना, इसका आ रहा है 3, इसका आ रहा है 2 और इसका आ रहा है 18। तो हमको सारी की सारी एक्टिविटीज जो दे रखी है उन सब का हमें क्या मिल गया है, टोटल एक्सपेक्टेड टाइम। अब हम बनाते हैं क्रिटिकल पाथ। क्रिटिकल पाथ ढूंढने के लिए हमें बनाना पड़ेगा नेटवर्क डायग्राम। चलो भाई नेटवर्क डायग्राम बना लेते हैं। सबसे पहले 1 से 2, 1 से हम 2 गए, फिर 2 से 3, हम 2 से 3 गए, फिर कह रहा है 1 से 3 और 2 से 3, 1 से 3 चले गए, अब 2 से 3, करेक्ट। फिर 2 से 4, 2 से 4, फिर कह रहा है 3 से 4, लो भाई 3 से 4, फिर कह रहा है 4 से 5, ये रहा 4 से 5, और यहीं पे हमारा क्लोज हो गया चैप्टर, यानी कि हमारा नेटवर्क डायग्राम बन गया है। अब इन सब की टाइमिंग लिख लेते हैं हम लोग। देखो 1 से 2 की टाइमिंग कितनी है, 1 से 2 की टाइमिंग कितनी है, 1 से 2 की टाइमिंग है 31, करेक्ट। फिर 1 से 3 की 13, फिर 5, सॉरी 2 से 3 की क्या है 5, 2 से 4 की क्या है हमारी 3, ये है 2 और ये लास्ट में कितना है 18, ये टाइम है। अब हम लोग देख लेते हैं कितने पाथ बन रहे हैं, उसके हिसाब से हम लोग क्रिटिकल पाथ और प्रोजेक्ट ड्यूरेशन अपनी निकाल ले रहे हैं। देखो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले, तो पहला पाथ हो गया 1, 2, 4, 5, 1, 2, 4, 5, टाइम कितना हो गया 31 प्लस 3 34, 30 प्लस 18, 34 प्लस 18 यानी कि 34 प्लस 18 यानी कि 52 डेज। दूसरा पाथ क्या होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 31 प्लस 5 36 प्लस 2 38, 38 प्लस 18 यानी कि 56 डेज। थर्ड पाथ होगा हमारा 1, 3, 4, 5, 1, 3, 4, 5, ये कितना होगा 13 प्लस 2 15, 15 प्लस 18 यानी कि 33। अब आप इसमें देखो सबसे मैक्सिमम पाथ कौन सा है, ये है, यानी कि ये हमारा क्रिटिकल पाथ होगा। कौन सा वाला, ये वाला हमारा क्रिटिकल पाथ होगा ए, और प्रोजेक्ट ड्यूरेशन हमारी कितनी हो जाएगी 50 डेज। प्रोजेक्ट ड्यूरेशन हमारी कितनी हो जाएगी 56 डेज। अब मैंने ये सवाल इसलिए कराया है क्योंकि ये है हमारा क्या FAQ, FAQ मतलब फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। अगर आप देखोगे प्रीवियस ईयर में जाके तो सिर्फ क्रिटिकल पाथ बनाने के लिए, क्रिटिकल ड्यूरेशन निकालने के लिए, क्रिटिकल पाथ की ड्यूरेशन, ठीक है ना, इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए इस तरह के क्वेश्चन बहुत आए हैं एग्जाम में, एक आध नहीं आए बहुत, ठीक है ना, 15-20 क्वेश्चन आपको मिलेंगे जिसमें इसी तरीके से सिंपल चीजें पूछी हुई कि क्रिटिकल पाथ क्या है, प्रोजेक्ट ड्यूरेशन क्या है, ठीक है ना, इसलिए हम लोगों ने निकाला। अब देखो कई लोगों के मन में ये डाउट आ जाता है कि सर क्रिटिकल है तो मतलब क्या हमें मिनिमम वाला लेना चाहिए, कि अरे यार प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है चाचा कि नहीं करना है, करना है ना भाई,
प्रोजेक्ट को कंप्लीट करोगे कि नहीं करोगे? तो अगर इस पाथ से जाओगे तो इस पाथ की एक्टिविटी तो कंप्लीट हो जाएंगी 52 डेज में, इस पाथ से जाओगे तो इस पाथ की एक्टिविटी तो कंप्लीट हो जाएंगी 33 डेज में, लेकिन इस पाथ की एक्टिविटी नहीं कंप्लीट हो पाएंगी क्योंकि इसको चाहिए 56 डेज। कितना? 56। तो हम लोग कौन सा लेते हैं? हमेशा मैक्सिमम वाला। ये होता है हमारा मैक्सिमम पाथ, ठीक है ना? इसी को बोलते हैं क्रिटिकल पाथ, और इसी को बोलते हैं हम लोग मिनिमम टाइम टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट, मिनिमम टाइम टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट, ठीक है ना? तो आप देखोगे इस तरह के क्वेश्चंस बहुत एग्जाम में आए हुए हैं। फर्स्ट स्टेप क्या था हमको? जो 3 टाइम एस्टिमेट्स दे रखे थे उससे हम लोगों ने टोटल एक्सपेक्टेड टाइम निकाला और उसका टोटल ड्यूरेशन ऑफ प्रोजेक्ट निकाल ली। कितनी आई है? 56 डेज। आप देखोगे इस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन काफी आए हुए हैं, ठीक है ना? तो ये एक स्टार्ट था कि इसी तरीके से आपको डेली प्रैक्टिस कराई जाएगी, मैक्सिमम क्वेश्चन कराए जाएंगे, ठीक है ना? आपको गाइडेंस मिलेगा किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में, किस तरीके के आते रहे हैं, क्या पिछले 2-3 साल से कोई सिनेरियो चेंज हुआ है, कोई पर्टिकुलर टॉपिक ज़्यादा टच करते हैं, कोई कम करते हैं, तो वो सब आपको मिलेगा यहाँ पे गेट अकेडमी में। तो 26 में ध्यान रखेंगे प्रतिज्ञा बैच स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना? तो जो भी सिंसियर हैं या सीरियस हैं वो सभी लोग इस बैच को आके चेक कर सकते हैं और इसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है? ज्वाइन करने का तरीका वही है, आप गेट अकेडमी लाइव ऐप को इंस्टॉल करिए, ठीक है ना, और उसमें जाके रजिस्टर करिए और उसके बाद फिर कोर्स को परचेज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।